नाउ वी आर इन टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मास्टर कॉन्फिग्रेशन दैट इज टैक्स लेजर कॉन्फिग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है और मिस्टेक में कहूँ या फिर कन्फ्यूजन होती है कि हमें जी एस टी का लेजर जो क्रिएट करना है दैट इज ड्यूटीज एंड टैक्सेस वो हमें कैसे क्रिएट करना है और हमें Uh, क्या क्या ऑप्शंस वहाँ पे सेलेक्ट करने हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लोग प्रैक्टिस के तौर पे जी के लेजर कैसे कैसे क्रिएट करते हैं सी आज के दिन अगर आप देखो तो आज के दिन लोग अलग अलग तरीके से सी सी जी एस टी एस जी एस टी के लेजर क्रिएट करते हैं तो मैंने एज अ ऑब्जर्वेशन के तौर पे जितने भी हमने क्लाइंट देखे हैं इज ऑलमोस्ट 5000 प्लस ऊपर जितने भी हैं सब लोगों ने मतलब ये चार मेथड के ही एंड टैक्सेस लेजर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रिएट किए हैं मेथड वन जहां पे सिंपल सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी का लेजर क्रिएट कर दिया ऐसा प्रैक्टिस के तौर पे फॉलो करते थे हालांकि ये अभी डिक्रीज हो गया अब ये टेन परसेंट के आसपास ही रह गए हैं दैट uh, इज यहाँ पे होता है क्या है बेसिकली एक ही टैक्स लेजर सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी बना दिया और यही सी जी एस सी लेजर एट द टाइम ऑफ परचेज की एंट्री एट द टाइम ऑफ एक्सपेंस की एंट्री एट द टाइम ऑफ सेल्स की एंट्री एट द टाइम ऑफ इनकम की एंट्री एनी थिंग ये सारे के सारे एंट्री वो जो है आ, वहीं पे दैट इज एक ही लेजर से कवर हो जाते हैं सी जी एस एस जी एस जी एस चाहे सेल्स की चाहे परचेज की तो ये एक सिंपल एंड कन्वीनियंट तरीका है जहाँ पे आप सिंपल लेजर मेंटेन करके आप अपना चार्ट ऑफ अकाउंट्स को नीट एंड क्लीन रख सकते हो दैट इज परफेक्टली ऑल राइट देर इज नो सच इश्यूज अबाउट दैट मैं डायरेक्ट मैथड थ्री पे जम्प करता हूँ यहाँ पे टू पे मैं बाद में आऊँगा मैथड वन में सिंपल सी जी एस सी एस जी एस सी और मैथड थर्ड में जो होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैथड है हालांकि इस मैथड की रिक्वायरमेंट नहीं है बट ये मैथड इसलिए फॉलो करते हैं लोग एज अ प्रैक्टिस के तौर पर बिकॉज पुराने टैक्स में ऐसे ही करते थे तो ऐसे ही करेंगे नहीं दिस इज दिस इज द रॉन्ग थिंग एक्चुअली वो लोग मेंटेलिटी के तौर पर नहीं मेरा वैट में तो ऐसे ही लेज़र बनाता था वैट एट द रेट फाइव परसेंट वैट एट द रेट सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट बिल्कुल आप बनाते थे वाज सेल्स के लिए भी, के लिए भी सेम लेकिन उसको रेट वाइज क्या करते हैं सेग्रीगेट करते हैं देखे यहाँ पे हमने सी जी एस टी एस जी सिंपल रखा है चाहे वो नाइन परसेंट का सी जी एस टी हो चाहे वो फोर्टीन परसेंट का सी जी एस टी हो चाहे टू पॉइंट फाइव का सिंपल एक ही सारे के सारे के लिए एक ही लेजर यूज करते हैं फर्स्ट मेथड में थर्ड मेथड में ये होता है कि सी जी एस सी एट द रेट टू पॉइंटीन परसेंट अलग अलग बना देते हैं और अगर एक ही एंट्री में अलग अलग रेट ऑफ आइटम्स है तो वो उतने लेजर को सेलेक्ट करते हैं हालांकि इसमें एक बेनिफिट ये इन्होंने क्या किया सेल्स और परचेज के लिए क्या करते हैं सेम लेजर यूज करते हैं जैसे कि फाइव परसेंट का प्रोडक्ट सेल हुआ तो सी जी एस सी एट द रेट टू पॉइंट हुआ प्रॉब्लमेटिक है, है।, है हालांकि फिर भी अभी भी चार से पांच परसेंट लोग मार्केट में जो ऐसे है ना इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं अब मैं डायरेक्ट जम्प करता हूँ फोर्थ मैटर पे फोर्थ मेथड फोर्थ मेथड पे क्या होता है इसमें इनपुट एंड आउटपुट मैकेनिज्म फॉलो करते हैं इनपुट एंड आउटपुट अच्छा फोर्थ मेथड पे आने से पहले मैं वापस जाऊंगा मेथड नंबर टू पे ये मेथड नंबर टू जो है ये सबसे बेस्ट मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड है और यही मेथड आपको अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना चाहिए आप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सी जी भी यूज करते थे वो अच्छा मेथड था लेकिन आज जो जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है तो कॉन्सेप्ट चेंज होने की वजह से क्या होता है जब आप इनपुट और आउटपुट को एडजस्ट करते हो तो उसमें सबसे बेस्ट जो लेजर मेथड मेथड होता है वो इस से आप इजी वे से से उसको एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको बहुत आसानी ट्रैक हो जाते हैं कि अगर कहीं पर कोई मिस्टेक होती है तो आप इसको आसानी से ट्रैक कर सकते हो ये आउटपुट सीजीएससी एस जी एस टी आईजीएससी का मतलब ये हो गया कि ये सेल्स के रिलेटेड है जहां पे भी आप सेल्स करोगे या फिर आप आउटपुट सप्लाई करोगे वहाँ पे आउटपुट और जहां पे भी आपका परचेस होगा या एक्सपेंस होगा वहां पर आपका इनपुट दीज आर द बेस्ट मैथड जो आज के टाइम पे 80 टू 90 परसेंट लोग फॉलो करते 70 अब तो बढ़ गया 80 टू 90 बिकॉज ये इसलिए बढ़ गया क्योंकि क्योंकि ये हुआ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म चेंज हुआ इस मेथड में क्या होता था कि सी जी एस टी एस जी एस सी आउटपुट इनपुट एक ही यूज करते थे तो इस मेथड में क्या होता था आउटपुट सी जी एस टी और इनपुट सी जी एस टी ऑटो एडजस्ट हो जाते थे जबकि नए रूल के मुताबिक सी जी एस टी एस जी एस टी पहले आपस में एडजस्ट नहीं होंगे सबसे पहले आई जी एस टी एडजस्ट होगा इसकी वजह से ये मेथड में क्या होता था कॉम्प्लीकेशन आने लगे हालांकि ये मेथड भी सबसे बेस्ट था लेकिन ये मेथड में क्या हो गया कि सी जी एस टी एस जी एस टी आपस में पहले एडजस्ट हो जाते हैं बिकॉज आपने सेल्स के टाइम पे भी वही लेजर लिया और आपने परचेस के टाइम पे भी वही लेजर लिया आउटपुट सी जी एस टी माइनस इनपुट सी जी एस टी क्या हो गया आपका नॉक ऑफ तो ये पुराने मेथड में सुटेबल था बट नए मेथड के हिसाब से आपको ये लेजर फॉलो करना है ये सबसे बेस्ट मेथड है अब मैं मेथड फोर की अगर बात करूं तो ये सबसे रेयर टू रेयर मेथड है और ये सबसे कॉम्प्लेक्स मेथड है हालांकि बहुत कम लोग इसको रेयर केस में यूज करते हैं रेयर केस में मैं कह रहा हूं तो रेयर केस में ही यूज करते हैं is, इसके चांसेस वन परसेंट के लगभग ना के बराबर है इस मेथड में क्या करते हैं वो इनपुट आउटपुट मेथड को इस रेट वाइज मेथड के साथ क्या करते हैं मिक्स करते हैं

कि उस केसेस में आप डेफिनेटली स्ट्रगल करोगे जहां पे आपको ये जीएसटी एडजस्टमेंट की बात आ जाती है तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाइड करते रहो कि मैं कौन से अमाउंट के किसके साथ एडजस्ट करूं हालांकि आप इसको यूज कर सकते हो यू आर एक्सपर्ट अगर आप धीरे धीरे एक्सपर्ट रहते हो तो इस चारों मेथड में से कौन सा भी मेथड आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो लेकिन मैं अगर एज प्रैक्टिस की बात एज अ टैक्स प्रैक्टिसनर की बात एज करूज कॉस्ट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मैथड फॉलो करते हैं वो ये मैथड है आउटपुट एंड इनपुट सी जीएसटी मेथड हालांकि आप चाहो तो इसको रेट वाइज भी कर सकते हो बट योर चॉइस हालांकि हम इसको सजेस्ट नहीं करते हैं तो हमारा जितना भी केस स्टडी होगा वो सारा का सारा होगा इस आउटपुट और इनपुट मेथड पे यानी कि हम सारे के सारे केस स्टडी इसी method पे मेथड पे करेंगे इससे मैं आपको इजी वे से अंडरस्टैंड करा पाऊंगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे एडजस्ट होता है हालांकि इस केस को भी हम डिस्कस करेंगे उस केस में तो दिखाएंगे मैं दिखाऊंगा आपको कि कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आउटपुट टैक्स क्रेडिट के साथ एडजस्ट करना सोचो जहां पे फिगर अमाउंट बड़ा बड़ा होगा वहां पे अमाउंट कॉम्प्लेक्स होंगे कभी कभी आप ये सोचोगे कि चलो महीने का ही आउटपुट माइनस इनपुट ही तो करना है नहीं ऐसा नहीं होता है आपके पास इनपुट टैक्स बैलेंस भी कभी कभी बच जाता है मैं बोलूँ कि आपने आउटपुट एडजस्ट कर लिया इनपुट बच गया तो आप कैसे बताओगे इसमें से कौन सा इनपुट सीजीएसटी मेरा बचा है टू वाला बचा है या फिर सिक्स वाला बचा है कैसे मालूम पड़ेगा आपको अगर मैं बोलू आपको पेबल आ रहा है दस हजार का टैक्स पेबल आ रहा है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पेबल जो आ रहा है मेरा आउटपुट आई जीएसटी आ रहा है या आउटपुट आई जीएसटी टू पॉइंट फाइव परसेंट में आ रहा है बट हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इन सच केस हालांकि वो चीज भी कर सकते हो बट एज अ प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू फॉलो दिस लेकिन तीनों ये चारों जो है मार्केट में अप्लीकेबल है आप अपने हिसाब से अपने बिजनेस चार्ट ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो मेथड फॉलो करना चाहो यू आर फ्री मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा करूँ कि ये मेथड यूज नहीं करना है इफ यू आर Okay with that, then you can definitely go ahead. हम ये method करेंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं यही method करना बिल्कुल कर कर सकते हो। कर सकते हो। हो अगर इसमें कुछ मेरी तरफ से लगती है, कैसे मैं बिल्कुल करूंगा आपकी तो चलिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेजर कैसे बनाते हैं? लेजर पहले सिंपल मेथड बनाते हैं यहाँ पे लेजर में यानी कि सी जी एस टी एस जी एस टी और आई जी एस टी ठीक है यहाँ पे सी जी एस टी अंडर जीएसटी सेंट्रल टैक्स रेट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यही सी जी एस टी टू पॉइंट फाइव परसेंट के लिए भी अप्लीकेबल है सिक्स परसेंट के लिए अप्लीकेबल है नाइन परसेंट के लिए अप्लीकेबल है ये आपका हो गया सिंपल सी जी एस टी एस जी एस टी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी स्टेट टैक्स आई जी एस टी जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स सेस भी है तो आप सेस सेस भी बना सकते हो दैट इज ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी है तो आप यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू बेस्ड ऑन क्वांटिटी एज पर योर चॉइस आपका नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो ये पहला मेथड हो गया दूसरे मेथड में क्या होता है कि इनपुट इनपुट क्या बना देते हैं इनपुट सीजीएसटी दैट इज डेबिट बैलेंस ये परचेज रिलेटेड होता है ड्यूटीज टैक्सेस जीएसटी सेंट्रल रेडिफाइन करने की जरूरत नहीं है और दूसरा मेथड हो गया जो इस पे इनपुट बना दिया फिर उसी का क्या बना देंगे आउटपुट सी जी एस टी ट्यूटी जीएसटी सेंट्रल तो ये इनपुट आउटपुट तीन इनपुट तीन आउटपुट यानी कि टोटल तीन सी जी एस टी एसजीएसटी आई जी एस टी का इनपुट और आउटपुट आपका बन जाएगा इनपुट आउटपुट सी जी एस टी एसजीएसटी आई जी एस टी इनपुट आउटपुट मेथड सेकेंड मेथड भी हो गया अब थर्ड मेथड में क्या होता है सी जी एस टी एट द रेट टू पॉइंट फाइव परसेंट इस केसेस में आपको क्या करना है जीएसटी सेंट्रल टैक्स और यहाँ पे आपको रेट डिफाइन कर देना है टू पॉइंट फाइव परसेंट बिकॉज ये आप स्पेसिफिकली डिफाइन करो की टू पॉइंट फाइव परसेंट के लिए है ये अगर डिफाइन करो तो यहाँ पर रेट डिफाइन करना बहुत ही जरूरी है ये हो गया आपका उसी तरह से एस जी एस टी एट द रेट टू पॉइंट फाइव परसेंट

यहाँ पे आपका इनपुट सी जी एस टी एट टैक्स रेट टू पॉइंट जीएसटी आउटपुट सी जी एस टी एट परसेंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी सेंट्रल टैक्स और यहाँ पे आपको रेट डिफाइन करना है टू पॉइंट फाइव परसेंट राउंडिंग मेथड आपके अगर आपको अपलीकेबल है तो आप राउंडिंग मेथड ले सकते हो that is depending on case to case and requirement so this is the method jahan pe aap ye charo method me se koi bhi method ke hisab se apna duties and taxes ledger select kar sakte ho so i hope you are clear with that ki method 1 kya hai 2 kya hai 3 kya hai 4 kya hai but मैंने आपको starting में बताया कि we are going to follow this method for whole transaction. हम आगे जितने भी video में जितने भी case study देखने वाले सारा का सारा हमारा ये आउटपुट और इनपुट मैकेनिज्म के हिसाब से ही चलेंगे हम रेट वाइज कॉम्प्लिक करने की जरूरत नहीं है इफ इट इज नीडेड अगर आपको लगता है कि मुझे रेट वाइज चाहिए मैं अपने बिजनेस में रेट वाइज सेट करना चाहता हूं तो बिल्कुल मैं आपकी हेल्प कर दूंगा आप उसके लिए मुझे अलग से पिंग कर दीजिए मुझे अलग से टेक्ट कर दीजिए मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा एज पर योर रिक्वायरमेंट सो यस दिस वॉज द मैथड टू क्रिएट ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेजर लीज दी एस टी अंडर टैली प्राइम सी लेजर क्रिएट करना बहुत सिंपल है बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है तो मैंने ये चारों मेथड आपको बता दिया ये चारों मेथड कैसे वर्क करता है वो कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा सिंपल आपको बता देंगे आप इनपुट आउटपुट बना दो लेकिन आप चाहते हो कि मैं सी जी एस टी एस जी एस टी बनाऊ तो ये नहीं बताएगा बोलेगा हाँ बना लो लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा इसके बाद आपको इसको एडजस्ट कैसे करना है वो कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप जो भी मेथड बनाना चाहते हो बिल्कुल बनाओ डोंट वरी है इस मेथड में भी सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम्स so, अपना पार्ट मास्टर क्रिएशन दैट वाज पार्टी मास्टर ऑपरेशनल लेजर स्टॉक आइटम मास्टर एंड लास्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस मास्टर तो आई होप यू आर क्लियर विद मास्टर क्रिएशन कैसे करते हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रैक्टिस में प्लीज ये फाइल फाइल आपको वर्किंग हम डेफिनेटली शेयर करेंगे आप प्लीज रेफर करो और अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करो और इसकी वर्किंग बनाओ अगर आप फ्रेश तो बिल्कुल प्रैक्टिस तो आपको करना ही करना है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो सॉरी ये वन वे कम्युनिकेशन के थ्रू आप ये इसको लर्न नहीं कर सकते दिस इज प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मस्ट यू